नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं टीएम मीडिया ग्रुप। आज बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान पूरे बिहार का जन आशीर्वाद यात्रा के दौरे पर हैं। इसी क्रम में आज अरवल औरंगाबाद जिले में उनका स्वागत किया गया। अरवल में भी भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद औरंगाबाद में विभिन्न जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। इस जनसंवाद यात्रा ये पहली बार जब पारस पासवान अलग हो गए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में बट गई है, तो चिराग पासवान बिहार के जनता के बीच जा रहे हैं, न्याय मांगने जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान जगह जगह जो भव्य स्वागत हुआ देखने के काबिल था। ऐसा जो स्वागत जिस तरीके से हो रहा था, उससे जरूर विपक्षियों के मन में कुछ न कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। इस जन आशीर्वाद यात्रा को कवरेज के लिए अरवल से हमारे जर्नलिस्ट नौशाद जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं कि अभी अभी अरवल में क्या हो रहा है। तो हम बात करेंगे नौशाद से, अरवल के हमारे जर्नलिस्ट हैं। उनसे मैं बात करता हूँ कि आखिर इस यात्रा में क्या क्या हो रहा है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि जो अभी पटना से जैसे ही रैली निकली पटना। हाँ, हेलो नौशाद जी, लाइन पे हैं। हाँ सर, लाइन हाँ पे हम हैं। नौशाद, अभी आप कहाँ हैं? अभी हम कलेर बाजार में हैं सर। यहाँ पर यात्रा, आशीर्वाद यात्रा जो है, हाँ, ये माननीय सांसद चिराग पासवान जी का चल रहा है और बहुत भीड़ यहाँ पर अभी देखने आप को मिल बताइए, रहा है। वहां का नजारा क्या है, किस तरह का नजारा वहां है अभी? अभी यहाँ का नजारा कुछ इस तरह का है कि लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं और जी उनका स्वागत के लिए बहुत से जी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। प्रखंड जी अध्यक्ष भी हैं, कई कितनी लोग भीड़ हैं। होगी, कितनी भीड़ होगी वहां पर? मैक्सिमम 2 से 2,500 लोगों की भीड़ है सर यहाँ पर। अच्छा, क्या पासवान जी से बातचीत हुई, मीडिया वालों से बात किया उन्होंने? नहीं, मीडिया वालों से बात नहीं किया। उन्होंने दूर का इशारा करते हुए कि बहुत दूर जाना है, वो हाथ हिला करके निकल गए, लेकिन बहुत भीड़ रही यहाँ पर। काफी लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं सर यहाँ पर। स्थानीय लोगों से बातचीत हुई? स्थानीय लोगों से बातचीत कुछ हुई है सर? स्थानीय नेता से बातचीत है तो बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद। तो आपको हम अभी दिखा रहे हैं कि नौशाद वहां से जो रिपोर्ट भेजी है उसको देखने और आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो किस तरह से चिराग पासवान इस आशीर्वाद यात्रा में ले रहे हैं। आखिर जिस तरह से भीड़ तो लग रही है, लेकिन यह भीड़ वोट में बदलती की है कि नहीं बदलती है, यह आगे की बात है। आपके सामने है नौशाद की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नौशाद अख्तर मगध संवाद में आपका स्वागत करता हूं। आज कलेर प्रखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर लोक जनशक्ति के कार्यकर्ताओं की एक भीड़ जमी हुई है, जो चिराग पासवान को खुशामदीद कहने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और काफी भीड़ आप देख सकते हैं, चारों तरफ से लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। और पता जैसे कि चला है कि वो बहुत जल्द ही कलेर की इस पावन धरती पर बहुत जल्द ही अपना कदम रखेंगे। आइए, हमारे साथ अभी कलेर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष एजाज अहमद जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे कुछ पूछते हैं कि सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि वो किस मकसद के तहत करा रहे हैं? वो आशीर्वाद यात्रा के तहत पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपने सभी साथ जमन समर्थनों का समर्थन लेना चाह रहे हैं। तमाम लोग हैं आज और सैकड़ों गाड़ियां हैं, सैकड़ों गाड़ियां, एक दो गाड़ी नहीं बल्कि सैकड़ों गाड़ियां हैं। कलेर की भीड़ भी आप देख लीजिए किस तरह से कलेर में भीड़ लगा हुआ है। चारों तरफ से लोग उनका स्वागत के लिए, उनके भव्य स्वागत के लिए लोग यहां पर इंतजार कर रहे थे और उनका बेहतरीन स्वागत किया गया।